किशनगंज थाना क्षेत्र में शनिवार की रात चोरों ने एक ही रात में शोभापुरा गांव में चार जगह चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें चोर लगभग 3 लाख के गहने, कपड़े और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार के द्वारा स्थानीय थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार चोर शोभापुरा निवासी बद्रीलाल सुमन के घर में दरवाजा खोलकर प्रवेश कर गए और मंगल सूत्र, बंशटी, कानबाली, अंगूठी सहित लगभग 3 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गई। वहीं कपड़ों से भरे बैग को चोरों ने घर के बाहर फेंक दिया। शोभापुरा गांव निवासी बद्रीलाल सुमन ने बताया कि शनिवार रात वो उसका परिवार भोजन करने के बाद सो गया। रात 2 बजे घटना की जानकारी बद्रीलाल और उसके परिवार को ही तो वो भौचक्का रह गए। पास पड़ोस के लोगों का मजमा लग गया। खोजबीन के बाद लगभग थोड़ी दूर खेत में सामान पड़े मिले। थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि फरियादी कमरे के बाहर सो रहा था। रात 2 बजे के करीब पीड़ित को चोरी की घटना का पता चला। पुलिस को सूचना मिलने पर वो तुरंत पहुंची। चोर घर से बजटी, नकदी, 1,40,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। इसके अलावा शोभापुरा गांव के अमृतलाल, रामलाल और शराब के ठेके पर भी चोरी हुई है। जांच जारी और जल्दी चोरों को पकड़ लिया जाएगा।